संसद चुनाव के लिए एमएलसी कैंडिडेट को लेकर कांग्रेस ने इन वक्त पर बड़ा उलटफेर किया है। अचानक से कांग्रेस ने कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष शमीर सिंह को उम्मीदवार बना दिया है। खूब माथापच्ची के बाद कांग्रेस का आला कमान ने तारिक अनवर का नाम वापस लेते हुए समीर सिंह को उम्मीदवार बना दिया है। ये फैसले को यहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह ने आला कमान का फैसला बताया। अंतिम समय में हमने जिज्ञासा जाहिर की निर्वाचन पदाधिकारी से और उनकी ओर से है कि इनका वोटर बिहार में होना जरूरी है। फिर गए भी इलेक्शन कमीशन, वहां भी इनका संभव नहीं हो सका। आज समीर सिंह जी के नाम के बाद कोई असंतोष का स्वर तो नहीं फूटेगा इसको? आप असंतोष वगैरह क्या आला कमान का आदेश सर्वोपरि है। तो यही खुद तारिक अनवर ने कहा कि टेक्निकल ग्राउंड पर मेरी उम्मीदवारी वापस ले ली गई है। उन्होंने कहा कि मेरे पास बिहार का वोटर कार्ड नहीं था। लेकिन जब हुकुम हुआ हाईकमान का लेकिन हम टेक्निकल ग्राउंड पे रहने के जो कानून भी जो प्रावधान है उसके अनुसार मेरे वोटर की बिहार में वोटर जिसके नाम नहीं है क्योंकि हम कई साल तक राज्यसभा के मेंबर रहे तो मेरा वोटर लिस्ट में दिल्ली में था नाम। और अभी जो 2019 में चुनाव हुए 2014 में चुनाव हुए तो उसी एड्रेस से है क्योंकि लोकसभा में कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि उसमें ऐसा प्रावधान है कि आप कहीं भी हिंदुस्तान में वोटर हैं तो आप फिर लोकसभा और राज्यसभा में जा सकते हैं। बिहार विधान परिषद के लिए जरूरी है। हाँ, लेकिन बिहार विधान परिषद और विधानसभा के लिए भी जो हमें बताया अभी कि उसमें आपका वोटर लिस्ट में नाम बिहार में होना जरूरी है। आपको बता दें कि काफी इंतजार के बाद कांग्रेस पार्टी ने तारिक अनवर को उच्च सदन भेजने का फैसला लिया था। पार्टी की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई थी। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी मुकुल वासनिक की ओर से लेटर जारी कर इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन फिर से फैसला बदल दिया गया। अब समीर सिंह कांग्रेस से बिहार विधान परिषद जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।